Assalamualaikum student, I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. Student, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का मतलब क्या है, आई जे के की फॉर्म में आप ए वेक्टर मालूम करें. ठीक है, इफ़ ओ ए इज द लेंथ, If OA is of the length 6 unit, उसकी क्या length होनी चाहिए 6, in the direction of OB, where B is the point 2, minus 1 and 4. Basically, यहाँ पे आपको दो vector दिए गए हैं, एक A और एक B. कह रहा है कि आप A vector मालूम करो कब, जब वो किसकी direction में हो, same direction में हो किसकी, B की, लेकिन उसका उसका जो length हो A vector की वो 6 unit होनी चाहिए. तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे, ज़रा वो देखिएगा. और दूसरी बात ये कि ये पेपर पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मुश्किल है, ये पेपर में 5 मार्क्स के लिए आ जाए, लेकिन ये जो चीज़ें आपको ई कैट में ज़रूर मिल सकती है. तो ई कैट पॉइंट व्यू से इसको ज़रा देख लेगा, इस तरह का एमसीक्यूज आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपकी एक टेक्निकल चीज़ को चेक करेगा. कैसे, ज़रा देखिएगा. हमें क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन की हेडिंग डाली, इसमें सबसे पहले हम करेंगे रिक्वायर्ड. ठीक है जी, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड बेसिकली है वैक्टर ए, ए वेक्टर हमें रिक्वायर्ड करना है, हुज जिसका क्या हो, हुज मैग्नीट्यूड. ठीक है जी बेटा, हुज मैग्नीट्यूड, एम ए जी मैग्नीट्यूड. ठीक है जी, हुज मैग्नी एम ए जी आएगा, सॉरी एम ए जी मैग्नीट्यूड. ठीक है जी, हुज मैग्नीट्यूड इज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हुज मैग्नीट्यूड इज 6, उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 6 हो. ठीक है, ऐसा वेक्टर ए मालूम करो जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, कब, जब. और अब आ जाए गिवन पे. ठीक है जी, अब गिवन में हमें इसमें दिया गया है कि बी जो है, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ने खुद कहा गया है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, वेयर द बी इज पॉइंट ऑफ 2 माइनस 1 एंड 4. ठीक है जी बेटा, तो इसने कहा है ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी है, और एस ए वेक्टर को मालूम करो. तो भाई हमें पता है ये इसी की डायरेक्शन में, यानी कि सेम है, तो हम इस वेक्टर को यूज करते हुए देखिए कैसे ए वेक्टर मालूम करते हैं. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को. तो सबसे पहले बी वेक्टर में लेता हूँ, यहाँ पर बी वेक्टर 2 माइनस 1 एंड 4 दिया गया है. इसको सबसे पहले आई जे की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ताकि हमें समझने और उसके सॉल्यूशन में आसानी हो. अगर ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर लें, कोई मसले की बात नहीं है. आई जे एंड के, ठीक है जी बेटा, सबसे पहले इसको आई जे के की फॉर्म में लिखा. हम सबसे पहले इस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे. ठीक है जी, तो इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर मालूम किया जाएगा. यूनिट वेक्टर मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ठीक है जी बेटा, सिंपल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो भाई सबसे पहले बी वेक्टर आपको यहाँ पे दिया है 2i-1j+4k. ठीक है, ये हो गया वेक्टर. अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आपको बच्चे को अब तो बात पता चल गई होगी कि i के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, j के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, एंड k के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर करके उनको सम कर दें और होल पे स्क्वायर रूट लगा दें. तो जरा देखें क्या होगा, 2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर किया 1, 4 का स्क्वायर किया 16. अब आगे क्या करेंगे जरा देखिएगा, 4 ये 16, 16 और 1 21 हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 1 21 हो गया. तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आया, अंडर रूट 21. अब हम आगे क्या करेंगे भाई, मेन जो मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट वेक्टर मालूम करें. तो यूनिट वेक्टर का फॉर्म क्या थी, मैग्नीट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अब वैल्यू डालते हैं, वेक्टर क्या दिया गया है, वेक्टर यहाँ पे 2i-1j+4k. ठीक है जी बेटा. अच्छा एक चीज़ देख लूँ, मैं चेक कर लूँ, अंडर रूट 21 पे इसी का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, नहीं निकलता, सही है. तो भाई अब जरा देखें, ऊपर वेक्टर लिख दिया, अब वेक्टर के बाद इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला था, अंडर रूट 21, सही जी बेटा. तो ये आपने निकाल लिया. अब एक जो चीज है, मेन चीज क्या थी, आपको ए वेक्टर मालूम करना था. तो अब आ जाए नाउ फोर रिक्वायर्ड आंसर. अब रिक्वायर्ड आंसर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना बेटा, रिक्वायर्ड आंसर. अब रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या मालूम करना था, ए मालूम करना था. ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, बी का जो यूनिट वेक्टर है उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, यानी कि ए मैग्नीट्यूड ऐसा बनाना था, ए वेक्टर ऐसा बनाना था जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, इन द डायरेक्शन ऑफ
जो के डायरेक्शन है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बी की, तो इसका हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर मालूम किया, ठीक है जी। अब हमें जो इसकी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड चाहिए वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए वेक्टर सिंपल बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने से और उसका जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड था वो उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा। तो भाई आप इसको मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर आपके सामने होगा, तो 2ij + 4k, ठीक है जी। इसको सिंपल आपने b का जो यूनिट वेक्टर निकाला वो लिख दिया √21 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, सही जी बेटा। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, तो 6 2s are 12i, फिर इसके अलावा -6j और 6 4s are 24k, ठीक है जी। अब इसके आ जाए डोमिनेटर में, डोमिनेटर में क्या लिखा है √21, सिंपल, ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करना है जरा देखें, यहाँ पे आपको पता है मेन चीज आपको ए वेक्टर था, ए वेक्टर ही आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं, फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। अब आंसर चाहे यूं छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे चाहे तो इस √21 को हर किसी एक टर्म के नीचे लिख दें, तो भाई ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप पीछे जब जाएंगे आपकी बुक में पीछे आंसर इसी फॉर्म में दिए गए हैं, तो आप 24/√21 बन जाएगा, ठीक है जी, आई जे के की फॉर्म में। तो भाई मेन चीज आपको क्या कही गई थी कि ए वेक्टर मालूम करें जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ बी है, उसके लेकिन उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 6 होना चाहिए। तो सिंपल आपने जो वैक्टर बी था उसका यूनिट वैक्टर मालूम किया, ठीक है, यूनिट वैक्टर को जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर था, रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन के अंदर आंसर मांगा गया था ए वैक्टर को, वो आपके ने आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहां पे आके क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ और क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। यहां पे मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।